और उत्तराखंड सरकार के लिए राहत भरी खबर है। विनियोग विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार अब विभागों को आवंटित कर सकेगी बजट। तो उत्तराखंड सरकार के लिए राहत भरी खबर, विनियोग विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, तो अब सभी विभागों को बजट आवंटित कर सकती है सरकार। इसी को लेकर लगातार उहापोह था, बजट को लेकर माथापच्ची भी काफी हुई और उत्तराखंड सरकार के लिए कह सकते हैं कि अब राहत भरी खबर है। जो वित्तीय विनियोग था उसको राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। कुमाऊं मंडल में हजारों बच्चे जर्जर स्कूल भवनों में भविष्य संवारने के लिए मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश से कुमाऊं मंडल के 400 से ज्यादा स्कूल भवनों पर खतरा मंडरा रहा है। मंडल में 408 प्राथमिक और 26 जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों नौनिहाल खतरे की जद में है। कुमाऊं मंडल में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 434 विद्यालय ऐसे हैं जो बारिश के दौरान कभी भी गिर सकते हैं। अल्मोड़ा जिले में 137 प्राथमिक स्कूल, बागेश्वर में 23, चंपावत में 25, नैनीताल में 103, पिथौरागढ़ में 98, उधम सिंह नगर में 22 विद्यालय जर्जर हालत में हैं। जूनियर हाई स्कूलों की बात करें तो अल्मोड़ा जिले में 5, नैनीताल में 10, पिथौरागढ़ में 5 और उधम सिंह नगर में 2 विद्यालय गिरने की कगार पर है। कुमाऊं मंडल में 434 स्कूल हैं जो गिर सकते हैं, उनके भवन इतने जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, खस्ता हाल है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नैनीताल में 10, पिथौरागढ़ में 5 स्कूलों की हालत ऐसी ही है। तो कैसे इन जर्जर स्कूलों में रौनिहालों का भविष्य संवरेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। कैसे मौत के साए के तले जिंदगी को संवारने की कोशिश किताबों में की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो जरा आंकड़ों के जरिए हिसाब से समझिए आप, जिला नैनीताल और बागेश्वर और चंपावत भी दिख रहे हैं, कुल स्कूल दिखा रहे हैं हम आपको, पिथौरागढ़ और यूएस नगर भी आप देख पा रहे हैं। तो नैनीताल में 1220 स्कूल टोटल और 113 की हालत जर्जर है। बागेश्वर में 712 टोटल स्कूल, 25 जर्जर में। चंपावत में 614 स्कूल, 27 जर्जर है। पिथौरागढ़ की बात करें 1422 स्कूल है, जिसमें से 103 स्कूल जर्जर हालत में है। तो विद्यालय की जर्जर हालत है, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो जर्जर हालत स्कूल है उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। उत्तराखंड में विद्यालयों की हालत जर्जर है, जिनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। मैंने ये निर्देश दिए हैं कि जहाँ पे भी छात्रों को बैठने में या पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही है तो उनको तत्काल दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। जहाँ पे कहीं पंचायत भवन हो या कोई दूसरे विद्यालय का कोई कक्ष हो या वहाँ पे, वो व्यवस्था के लिए हमने निर्देश दे चुके हैं। जहाँ पर ऐसी व्यवस्था, अगर ऐसा है उसमें कोई ढिलाई कर रहे हैं तो उस पर मैं दिखवाऊँगा, CO's को DO's को बोलूँगा कि भाई ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। और ज्यादा डिटेल के साथ मेरे सहयोगी सौरभ भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रुक करते हैं सौरभ का। सौरभ, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, स्कूलों की हालत लगातार खराब हो रही है, हम देख पा रहे हैं नौनिहाल किस मजबूरी में आगे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन को क्या सारी बातें नहीं दिखाई देती और सरकार क्या इस तरफ कुछ कदम उठाना नहीं चाहती? देखिए घनश्याम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राज्य की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के हाल है वो किसी से छुपे नहीं है। आए दिन जो है अपनी बदहाली का रोना रोने को मजबूर रहते हैं, लेकिन जो है फिर भी दावे किए जाते हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। राज्य की अगर पूरी बात की जाए तो 1400 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालात में है। खुद जो है विभागीय मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि जो है हालात जरूर खराब है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि करोड़ों रुपए बजट खर्च करने के बावजूद भी ये व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो पाती है, क्यों आखिरकार जो है वैकल्पिक व्यवस्थाओं का सहारा लिया जाता है। ऐसे में जो है नौनिहालों को जो शिक्षा की बात की जाती है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी, बेहतर जो है वहां पर जो क्लासेस होंगी, शिक्षक जो है बेहतर होंगे, लेकिन जब बैठने की जगह ही बेहतर नहीं होगी तो ऐसे में शिक्षा कैसे बेहतर मिल पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी घनश्याम सौरभ, लेकिन सिर्फ स्वीकारने भर से अब काम नहीं चलेगा। अगर सरकार के नुमाइंदे सिर्फ स्वीकार कर लेंगे और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आएगा तो फिर परिणाम 2017 में भुगतने होंगे। और स्कूल जैसी बेसिक शिक्षा अगर उत्तराखंड में बच्चों को नहीं मिल रही है, भवन जर्जर है, तो फिर ये बहुत ही सोचनीय सवाल हो जाता है।
बिल्कुल देखिए, जरूर दावे किए जाते हैं कि व्यवस्था सुधारी जाएगी, लेकिन वो कब सुधारी जाएगी उसका जवाब जो है खुद इन अधिकारियों के पास नहीं, खुद विभाग के मंत्री के पास नहीं है। एक जो है कमेटी बनाई दी जाती है कि जो वो सर्च करेगी, जांच करेगी, जांच के बाद जो है कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई कब होगी उसका जो है कोई टाइम बाउंड नहीं है इनके पास। ऐसे में जरूर जो है इनके ऊपर सवाल निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार जब शिक्षा जैसी व्यवस्था के ऊपर ही जो है सरकार की पकड़ नहीं है, विभागीय मंत्री की पकड़ नहीं है, तो अन्य विभागों की तरफ क्या होगा। यहाँ देश के भविष्य के साथ जो कहीं ना कहीं खुद सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। जो हालात इस समय जो राज्य के स्कूलों के दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ जो तुलना की जाती है कि पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर जो है हम राज्य के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन जो पब्लिक स्कूलों की व्यवस्थाओं को देखने के बावजूद भी इनके जो है आके उस तरफ नहीं जाती, उस तरफ ध्यान नहीं जाता, जिससे जो ये कहा जा सके कि सौरभ तो स्कूलों की हालत ऐसी है तो फिर कैसे उत्तराखंड का भविष्य सुधरेगा और संवरेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए सौरभ।